तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फाइव पैसा एप्लीकेशन पे अपना अकाउंट बनाने के बाद से डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद से कैसा आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, कैसा आप इस एप्लीकेशन के थ्रू अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू करेंगे, कैसा आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम फंड ऐड करके अपना फर्स्ट ट्रेड कंप्लीट करेंगे, कैसा आप स्टॉक को बाय करेंगे सेल करेंगे, आज की वीडियो में आपको इसी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे, वहाँ से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाता हूँ कि फाइव पैसा एप्लीकेशन पे कैसे ट्रेडिंग करनी है, कैसे स्टॉक को बाय करना है, कैसे सेल करना है। तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ गया हूँ। आपको सिंपली करना क्या होगा, फाइव पैसा एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना होगा, और अगर आपके फ़ोन में ये ऑलरेडी है तो आपको सिंपली लेटेस्ट वर्जन पर इसे अपडेट कर लेना होगा, ताकि आपको यहाँ पे इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए स्टॉक को बाय एंड सेल करते हुए कोई इशू ना आए। जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए, अपडेट हो जाए, आपको सिंपली करना क्या होगा, ओपन पे क्लिक करना होगा। ओपन पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, देन आपको एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। आपको सिंपली करना क्या होगा, अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद से आपको यहाँ पे होम स्क्रीन पे लाइव में आपको देखने को मिल जाएगा कि आपने यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितना रिटर्न आपको मिल रहा है। बुक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके ऑर्डर की सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। उसके बाद से एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा आइडिया का, आइडिया पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको मार्केट के बारे में ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा कि आपको कहाँ पर प्रॉफिट होगा, कहाँ पर लॉस होगा। जैसे कि इक्विटी पर क्लिक करके आप इक्विटी में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कौन कौन से स्टॉक में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। FNO पर क्लिक करके आप यहाँ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो आज की मार्केट है बियर्स रहेगी या बुलिस रहेगी। अगर आपको लगता है कि बुलिस है तो आपको सिंपली यहाँ पर बुलिस की ओर स्वाइप करना होगा, और अगर आपको लगता है कि आज की मार्केट बियरिस रहेगी तो आपको सिंपली बियरिस की ओर स्वाइप करना होगा। और यहाँ पर आपको बियरिस में कितना इन्वेस्ट करने पे कितना प्रॉफिट होगा, किस प्राइस पर आपको एंट्री लेनी है, कहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, सारी चीज़ यहाँ पर दी गई है। आपको सिंपली करना क्या होगा, लॉट साइज एंटर करना होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 लॉट बाय करना चाहता हूँ, सिंपली यहाँ पे लॉट साइज एंटर कर दूंगा, ट्रेड नाउ पे क्लिक कर दूंगा। ट्रेड नाउ पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको लिमिट वगैरह सारी चीज़ें सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सिंपली करना क्या होगा, अपना प्राइस सेट करना होगा। अभी जो प्राइस आ रही है यहाँ पे 182 की आ रही है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे 150 पे बाय करना है, सिंपली मैं यहाँ पे प्राइस एंटर कर दूंगा। प्राइस एंटर करने के बाद से बाय पे क्लिक कर दूंगा, प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक कर दूंगा। इस तरह से आप इस एप्लीकेशन पे FNO के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो। अदरवाइज आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं बैंक निफ्टी और चैन के अंदर जाके, चैन वाइज भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। उसके बाद एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा करेंसी का, करेंसी पे क्लिक करके आप यहाँ पे करेंसी के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। कमोडिटी पे क्लिक करके कमोडिटी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा नीचे मार्केट का, मार्केट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मार्केट का ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिसेस, एडी रेशियो, सेक्टर परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको टॉप गेनर स्टॉक कौन से हैं, टॉप लूजर स्टॉक कौन से हैं, 52 वीक हाई कौन से स्टॉक है, सारी चीज़ यहाँ से आपको देखने को मिल जाती है। और उसके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको डेरिवेटिव मार्केट शॉर्ट ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। यूज़र पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी, प्रोफाइल में आपके यहाँ पर ऊपर नेम शो हो जाएगा, क्लाइंट कोड शो हो जाएगा। और अगर आपने यहाँ पर न्यू अकाउंट बनाया है और अपने डेरिवेटिव वाले सेगमेंट को एक्टिवेट नहीं किया है और आप यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डेरिवेटिव वाले सेगमेंट को एक्टिवेट करना होगा। उसके लिए आप यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट, ITR सैलरी स्लिप, यहाँ पे DP होल्डिंग की स्टेटमेंट दे सकते हो। आपका यहाँ पे जो FNO वाला सेगमेंट है एक्टिवेट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पे FNO वाला सेगमेंट एक्टिवेट है तो आपको सिंपली करना क्या होगा, ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इक्विटी के अंदर स्टॉक को बाय करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे फंड को ऐड करना होगा। फंड को ऐड करने के लिए सिंपली एड फंड पे क्लिक करना होगा। एड फंड पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको अमाउंट एंटर करना होगा। आप यहाँ पे एटलीस्ट 100 रुपीज़ से भी ट्रेडिंग कर सकते हो, आप यहाँ पे 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, अमाउंट एंटर करना होगा। नीचे आपको यहाँ पे गूगल पे, फोन पे, UPI ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई भी UPI एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे भी आपका बैंक अकाउंट लिंक हो। जो बैंक अकाउंट आपने यहाँ पे फाइव पैसा पे अकाउंट ओपन करते हुए ऐड किया था, तो मैं सिंपली यहाँ पे गूगल पे सेलेक्ट कर लूँगा। गूगल पे ऐसा सेलेक्ट करेंगे, आप गूगल पे एप्लीकेशन पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आपको सिंपली करना क्या होगा, सेम बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके यहाँ पर सिंपली फंड को ऐड कर लेना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 200 रुपीज़ का फंड ऐड हो चुका है। आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ से आपको बैक आ जाना होगा। बैक आने के बाद से आपको सिंपली करना क्या होगा, लाइव पे क्लिक कर देना होगा या मार्केट पे क्लिक कर देना होगा। मार्केट पे क्लिक करेंगे या लाइव पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको सर्च वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली सर्च बार में जाना होगा और यहाँ से आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को सर्च कर सकते हैं, जो भी आपकी फेवरेट कंपनी हो, जिस भी कंपनी का आप स्टॉक लेना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे टाटा स्टील का स्टॉक बाय करना चाहता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे टाटा स्टील सर्च कर दूंगा। टाटा स्टील जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पर आपको टाटा स्टील का स्टॉक देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको टाटा स्टील NSE और BSE करके आ रहा है, तो यहाँ पर दोनों एक्सचेंज है,
आप इन दोनों एक्सचेंज में से किसी एक एक्सचेंज को सेलेक्ट करके यहाँ पे स्टॉक को बाय कर सकते हो आप, कोई भी इशू नहीं होने वाली है। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर आपको इस वाले एरो पे क्लिक कर देना होगा, जिससे आपको यहाँ पर फुल स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। ऊपर आपको यहाँ पर प्राइस दिख रहा होगा टाटा स्टील का, जो कि आज की डेट में 105 रुपये है। ऑर्डर टाइप में आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, रेगुलर का, स्टॉप लॉस का और VVT का। तो आपको यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा इंट्राडे का, डिलीवरी का। तो अगर आप किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हो तो यहाँ पर आपको डिलीवरी सेलेक्ट कर लेना होगा। सेम डे बाय करके सेम डे सेल कर रहे हो तो यहाँ पर आपको इंट्राडे सेलेक्ट कर लेना होगा। तो मैं स्टॉक को यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहा हूँ, सिंपली मैं डिलीवरी सेलेक्ट कर लूँगा। क्वांटिटी में मैं यहाँ पे एक एंटर कर दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर 200 रुपीज़ ही ऐड किया था। क्वांटिटी एंटर करने के बाद से आपको यहाँ पर प्राइस को सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग प्राइस सेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे 104 रुपये में बाय करनी है और अभी जो प्राइस आ रही है 105 रुपये आ रही है, तो मैं इस तरह से लिमिट प्राइस सेट कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बाय कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पर मार्केट प्राइस भी सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिमिट प्राइस सेट करके स्टॉक को बाय करना चाहता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पर प्राइस एंटर कर दी है किस प्राइस मुझे स्टॉक चाहिए। उसके बाद से एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा एड स्टॉप लॉस का और एड स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइस का। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ ही सेट कर सकते हैं। अगर आप किसी स्टॉक को यहाँ पे इंटरडे में ट्रेड कर रहे हैं तो इस केस में जो आपका लॉस होगा बहुत ही मिनिमम होगा। जैसा आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, जो आपका ऑर्डर होगा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। और सिमिलरली जैसा आपका टारगेट हिट होगा तो भी आपका ऑर्डर जो होगा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपना लिमिट सेट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, सारी चीज़ यहाँ पर आपको देखने मिल जाती है। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर आपको नीचे बाय कन्फर्म पे क्लिक कर देना होगा, प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक कर देना होगा। प्लेस बाय ऑर्डर पे जैसे आप क्लिक करेंगे जो आपका ऑर्डर होगा प्लेस हो जाएगा। आपको सिंपली करना क्या होगा, बैक आना होगा, बुक पे क्लिक करना होगा। बुक पे जैसे आप क्लिक करेंगे, ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं हमारा जो ऑर्डर है फाइनली प्लेस हो चुका है। और नीचे आपको हमें बैंक निफ्टी का ऑर्डर दिख रहा होगा जो कि यहाँ पर रिजेक्टेड है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे FNO में कैसे ट्रेड करना है। अगर आप यहाँ बिगनर है या आपको यहाँ पर ज़्यादा नॉलेज नहीं हो तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आप देख सकते हैं जो हमारा टाटा स्टील का जो ऑर्डर है प्लेस हो चुका है। जैसे हमारा ऑर्डर प्राइस आ जाएगा, जो हमारा ऑर्डर होगा एग्जीक्यूट हो जाएगा और देन आप इसे सेल कर सकते हैं T+1 होल्डिंग के बाद। तो ये तो हो गई यहाँ पे स्टॉक को कैसे बाय करना है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं जो भी आपकी होल्डिंग होगी, जो भी आपने स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके रखा होगा उसे कैसे सेल करना होगा। तो सेल करने के लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, लाइफ पे क्लिक करना होगा। लाइफ पे क्लिक करने के बाद से माई स्टॉक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा आपने कौन कौन से कंपनी को स्टॉक को बाय करके रखा है। आप देख सकते हैं मेरे पास कैंपस का स्टॉक है, डिलीवरी का स्टॉक है, आइडिया का स्टॉक है, सुवेक्स लिमिटेड का स्टॉक है, यहाँ पर टाटा मोटर्स का स्टॉक है, टाटा स्टील का स्टॉक है। तो मैं यहाँ पर आज की डेट में टाटा मोटर्स को सेल करना चाहता हूँ, जिसपे मुझे अच्छी प्राइस मिल रही है। मैंने इस स्टॉक को 382 रुपीज़ के प्राइस में बाय किया था और आज की जो प्राइस आ रही है 462 रुपीज़ आ रही है। तो जो मुझे प्राइस है काफ़ी अच्छा मिल रहा है, मैं सिंपली इसे सेल करना चाहता हूँ। इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद से आपको सिंपली करना क्या होगा, फिर से आपको इस एरो पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद से आपको फिर से सेम पेज देखने को मिल जाएगा। तो मैं इसे आज की डेट में 463 रुपये में सेल करना चाहता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर प्राइस एंटर कर दूंगा। प्राइस एंटर करने के बाद से क्वांटिटी एंटर कर देनी होगी। क्वांटिटी एंटर करने के बाद से आपको सिंपली करना क्या होगा, कन्फर्म सेल पर क्लिक करना होगा, प्लेस सेल ऑर्डर पर क्लिक कर देना होगा। प्लेस सेल ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको टीपिन को वेरीफाई करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके पास टीपिन ऑलरेडी है तो आपको सिंपली कंटिन्यू टू CDSL पे क्लिक करना होगा। और अगर आपके पास टीपिन नहीं है तो आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर आपको नीचे जनरेट टीपिन पे क्लिक कर देना होगा। जनरेट टीपिन पे ऐसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो आपका पिन होगा जनरेट हो जाएगा और आपको यहाँ पर मेल के थ्रू रिसीव भी हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैसेज भी आ चुका है, आप सिंपली इसे कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद से आपको सिंपली करना क्या होगा, बैक आना होगा, कंटिन्यू टू CDSL पे क्लिक कर देना होगा। कंटिन्यू टू CDSL पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको अपना टीपिन एंटर करना होगा जो कि आपको मैसेज के थ्रू रिसीव हुआ है। देन आपको सिंपली करना क्या होगा, वेरीफाई पे क्लिक कर देना होगा। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको सेव पे क्लिक करना होगा। अगेन आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP रिसीव होगा, उस OTP को यहाँ पे एंटर करना होगा। अगेन आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना होगा। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, देन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ऑथराइजेशन का जो प्रोसेस है कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सिंपली करना क्या होगा, प्लेस सेल ऑर्डर पे क्लिक कर देना होगा। जैसा प्लेस सेल ऑर्डर पे क्लिक करेंगे जो आपका सेल ऑर्डर होगा यहाँ पे प्लेस हो जाएगा और जैसे आपकी लिमिट प्राइस आ जाएगी जो आपका ऑर्डर होगा यहाँ पे फुल्ली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा ऑर्डर है टाटा स्टॉक का फाइनली फुल्ली एग्जीक्यूट हो चुका है, सेल हो चुका है। अब चलिए हम यहाँ पर यूज़र आईडी पे क्लिक कर लेते हैं। यूज़र आईडी पे सब क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं हमारे अकाउंट के अंदर फंड के अंदर यहाँ पे 3678 रुपये शो होने लग गए हैं। तो यहाँ पे फाइनली जो अमाउंट है वो भी क्रेडिट कर दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी अमाउंट का आप स्टॉक सेल करते हैं उसका 80% अमाउंट सेम डे यहाँ पे आपको क्रेडिट कर दिया जाता है। इसे विड्रॉ करने के लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, विड्रॉ पे क्लिक करना होगा। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आप कितना अमाउंट आज की डेट में विड्रॉ कर सकते हैं। मे बी आप यहाँ पे सेम डे विड्रॉ नहीं कर पाए, लेकिन आप इसे नेक्स्ट डे जरूर विड्रॉ कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस था 5paisa एप्लीकेशन पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद से यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू करने का, स्टॉक को बाय एंड सेल करने का। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और हम मिलते हैं ऐसे वीडियो साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।